हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एंड ब्लॉसम फैमिली। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और कंपैरिजन वीडियो लेकर आई हूँ और आज मैं कंपेयर करने वाली हूँ मामाअर्थ अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन एंड मामाअर्थ एक्वा ग्लो हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन जेल का। मामाअर्थ अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन ट्यूब पैकेजिंग में आती है और इसका प्राइस है 99 रुपीज़। इसमें आपको 25 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है और आप इसे 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। वही बात करें एक्वा ग्लो सनस्क्रीन की, सो ये छोटू सी बॉटल पैकेजिंग में आती है और इसका प्राइस है 399 रुपीज़, जिसमें आपको 50 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है और आप इसे भी 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही सनस्क्रीन सेफली मेड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन आती है सन प्रोटेक्शन के लिए, वहीं पर एक्वा ग्लो सनस्क्रीन जेल आती है सन एंड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन के लिए। अब मैं आपको इन दोनों सनस्क्रीन का टेक्सचर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन का टेक्सचर दिखाती हूँ। सो इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी है और फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही माइल्ड है और ये बहुत ही लाइट वेट है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक्वा ग्लो सनस्क्रीन का टेक्सचर दिखाती हूँ। ये जेल काइंड ऑफ टेक्सचर में आती है और फ्रेग्रेंस इसकी भी बहुत ही रिफ्रेशिंग है। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है। सो दोनों सनस्क्रीन का आप टेक्सचर देख सकते हैं। ये अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन का टेक्सचर है और ये एक्वा ग्लो सनस्क्रीन का टेक्सचर है। अब ये दोनों सनस्क्रीन मैं आपको मेरे हाफ ऑफ फेस पर अप्लाई करके इनके रिजल्ट में डिफरेंस दिखाती हूँ। मैं मेरे हाफ फेस पर अप्लाई कर रही हूँ ममार्थ की अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन और हाफ फेस पर मैं अप्लाई करूँगी ममार्थ की एक्वा ग्लो हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन जेल। दोनों की मैंने रिक्वायर्ड अमाउंट ली है। अब मैं फिंगर टिप्स की हेल्प से मसाज करते हुए इन्हें मेरी स्किन में एब्जॉर्ब कर लूँगी। अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन के मेन इन्ग्रीडियंट है कैरेट सीड ऑयल एंड टर्मरिक। टर्मरिक हमारी स्किन पर नेचुरल ग्लो लेकर आता है और कैरेट सीड ऑयल हमारी स्किन में डीपली पेनिट्रेट होकर स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं। इसके साथ ही इसमें है ऑरेंज पील ऑयल जो हमारी स्किन को यूवीए एंड यूवीबी रेड से प्रोटेक्शन देता है। मामाअर्थ एक्वा ग्लो सनस्क्रीन के मेन इंग्रेडिएंट है हिमालय थर्मल वाटर एंड हाइलुरोनिक एसिड। ये दोनों ही हमारी स्किन को हाइड्रेशन देते हैं और स्किन को ड्राइनेस से बचाते हैं। दोनों सनस्क्रीन मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो चुकी है। अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन के कंपेरिजन में एक्वा ग्लो सनस्क्रीन स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और ये अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन से ज़्यादा लाइट वेट है। सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन कुछ ऐसी दिखती है। दोनों ही सनस्क्रीन स्किन पर बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है। एक्वा ग्लो सनस्क्रीन के कंपैरिजन में अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन स्किन को ज़्यादा स्मूथ बनाती है। दोनों ही सनस्क्रीन स्किन को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनाती है और दोनों से ही आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग लग रही है। दोस्तों, प्रीवियस क्लिप में आपने देखा कि ये दोनों सनस्क्रीन आपको कैसे यूज़ करनी है और आप लोगों ने इनके रिजल्ट देखे। अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन आती है SPF 50 PA ट्रिपल प्लस के साथ और एक्वा ग्लो सनस्क्रीन आती है SPF 50 PA 4x प्लस के साथ। दोनों ही सनस्क्रीन सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, बट फिर भी अगर आप इन्हें पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। ये सनस्क्रीन आपको अपनी स्किन केयर रूटीन के लास्ट स्टेप में अप्लाई करनी है और धूप में निकलने से 15 मिनट पहले आपको इन्हें यूज करना है। इनके बैक में मेंशन किया गया है कि ये आपको 6 आवर्स तक आपके स्किन को सन से प्रोटेक्शन देती है। सो दोस्तों, 6 आवर्स नहीं बट 3 से 4 घंटे ये इजीली आपके स्किन को सन डैमेज होने से प्रोटेक्ट करेंगी। अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन सन प्रोटेक्शन के लिए आती है, वहीं पर एक्वा ग्लो सनस्क्रीन सन एंड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन के लिए आती है। सो दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ ये जो डिफरेंस शेयर किए हैं ये मैंने मेरी स्किन पर नोटिस किए हैं। हो सकता है कि आपको इससे अलग रिजल्ट मिले। दोनों ही सनस्क्रीन के रिजल्ट मुझे अच्छे लगते हैं, दोनों ही सनस्क्रीन मुझे पसंद है। दोनों के ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहां से चेकआउट कर लेना। जिस भी सनस्क्रीन को आप परचेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।